हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्यू क्लासेस में। इस वीडियो में साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आर्मी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखिएगा, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है जीवाणु, शैवाल, फफूंद, लाइकेन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि? ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अधिकतम आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है, अधिकतम आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादल हवा में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें खाली स्थान होता है। ऑप्शन है कम ताप, कम घनत्व, कम दाब, कम चिपचिपा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर है, एटम की खोज किसने की? ऑप्शन है मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जेम्स चैडविक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एटम की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसे दृष्टिभ्रम माना जाता है? ऑप्शन है चांदनी, इंद्रधनुष, मृग तृष्णा, प्रभा मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मृग तृष्णा को दृष्टिभ्रम माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूहे मारने वाला जहर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, जिंक फास्फाइड, लेड नाइट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चूहे मारने वाले जहर का रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सोना। यहाँ पर प्लेटिनम के बाद सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना खाली स्थान कहलाता है? ऑप्शन है ऋतु परिवर्तन, परिभ्रमण, परिक्रमा, कक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यह परिक्रमा कहलाता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर किसी मरीज की नाड़ी की जांच क्यों करते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन है, वजन जानने के लिए, आंख जांचने के लिए, हृदय गति की जांचने के लिए, खून जांचने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हृदय गति जांचने के लिए। यहाँ पर याद रखेंगे इसको, डॉक्टर किसी भी मरीज की नाड़ी की जांच करते हैं हृदय गति जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा कौन सा जानवर जो अपने पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीता? तो देखिए ऑप्शन है कंगारू रैट, चूहा, शेर, कंगारू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये कंगारू रैट अपने पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीता। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन है 50, 100, 66, 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पर 0 होता है, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। साइंस के सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ विजिट करके सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जीके के भी प्रीवियस क्वेश्चन सभी एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे। प्लेलिस्ट से आप विजिट करके जीके और साइंस के सभी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं जो कि आर्मी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार भी यही प्रश्न रिपीट होते हैं।